दोस्तों, मैं हूं न्यूमरोलॉजिस्ट अश्विनी गौतम और ज्योतिष पुंज टीवी के इस पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा जो ये पॉडकास्ट है वो इसलिए बनाया गया है कि हम आपके लिए बहुत सारी जानकारियां लेकर आए, बहुत सारी नॉलेजेबल चीजें लेकर आए। तो इसी श्रृंखला में आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराऊंगा, एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगा जो कि बहुत ही ज्ञानवान इंसान है। और कोइंसिडेंटली आप उनसे बातचीत के दौरान हमारे आपस के बहुत सारे किस्से भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे बीच में होंगे डॉक्टर ललित पंत जी। डॉक्टर ललित पंत जी के बारे में, उनके आने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत सारी विधाओं की उनको जानकारी है। चाहे आप वैदिक ज्योतिष लगा लेंगी या आप पामिस्ट्री लगा लें या केपी लगा लें, बहुत सारी चीजों की जानकारी और ज्ञान से भरे हुए। एक तो नया साल, ठीक है, एक आपसे नए साल के मौके पर डॉक्टर ललित पंत जी की मुलाकात बहुत अच्छा होने वाला है और हम लोग राशियों को लेकर भी चर्चा करने वाले। तो जस्ट मुझे 5 मिनट दीजिए, वो आए और फिर हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं उनसे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वेलकम करते हैं डॉक्टर ललित पंत जी का। तो ये हैं डॉक्टर ललित पंत जी और दिल्ली से हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि वैदिक ज्योतिष की, पामिस्ट्री की, केपी की और बहुत सारी विधाएं जो इन्हें आती हैं और हम लोग भी इनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो पंत जी, स्वागत है आपका आज के हमारे ज्योतिष पुंज टीवी के इस पॉडकास्ट के अंदर और बहुत सारी बातें हम आज आपसे करने वाले हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब मैं 2018 में मेरा पहली बार लेक्चर हुआ था न्यूमरोलॉजी का दिल्ली के अंदर, जब मैंने फ्रंट डेस्क पे आकर सबके सामने लेक्चर दिया था, बड़ी भीड़ थी वहां पर, काफी सारे लोग बैठे हुए थे, तो वो जो प्रोग्राम था ना वो डॉक्टर साहब का ही था। और कोइंसिडेंटली आज हम जब पॉडकास्ट शूट करने की बात कर रहे हैं तो हमारा पहला पॉडकास्ट भी डॉक्टर साहब से ही शुरू हो रहा है। मुझे याद है 2018 में पहला हमारा लेक्चर हुआ था, तो केपी की एक वर्कशॉप थी डॉक्टर साहब की वहां पर, तो केपी की वर्कशॉप में मुझे बोलने का मौका मिला था और इनके लेक्चर के फौरन बाद मेरा वहां पर लेक्चर किया गया न्यूमरोलॉजी के ऊपर। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि मेरी जब वर्कशॉप्स की और लेक्चर्स की सीरीज शुरू हुई तो वो भी इनसे शुरू हुई और आज हम पॉडकास्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट पहला पॉडकास्ट जो है वो भी डॉक्टर ललित पंत जी से शुरू होने जा रहा है, तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है। तो डॉक्टर साहब से बातचीत शुरू करते हैं। सो डॉक्टर साहब, एक तो हमारे दर्शकों को पहले ये बता दीजिए कि हमारा वो एक्सपीरियंस कैसा था जब हमने अपना वो लेक्चर का सीरीज शुरू किया था। तो डॉक्टर साहब के मुंह से ही सुनेंगे, जब फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था उसमें, तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे इस चीज के बारे में। क्यों जी, जय श्री राम मित्रों। आज भगवान श्री कृष्ण की धरती कुरुक्षेत्र, जहां उन्होंने एक इतिहास रचा, एक ऐसी रचना रची जो अद्वितीय थी, अनुपम थी, और मैं भी सौभाग्यशाली हूं उस धरा के, उस ब्रह्म सरोवर के, उस भद्रकाली माँ के स्थल के आज दोबारा दर्शन करने को मुझे मिल रहे। और मेरे मित्र अश्विनी जी ने बहुत सारी बातें कह दी, मित्र कई सारी बातें, कुछ बातें भावनात्मक भी होती हैं, कुछ सत्यता से भी भरी होती हैं। ये बात सही है कि जो जैसा देखता है, सोचता है, विचारता है, वो वैसा ही उसको इलेबोरेट करता है। तो वही गुण, उन्हीं गुणों की खान, उन्हीं गुणों से भरपूर अश्विनी जी भी हैं। आप बात कर रहे थे कि 2018 में जब हम पहली बार हमारा मिलन हुआ था, तो उस समय
केपी की एक पूरे दिन की कार्यशाला चल रही थी और उस कार्यशाला में मेरा अपना अगर अनुभव कहें तो उस तरह की जो कार्यशाला कम से कम मैं करता हूं तो उसमें हम बीच में कोई एडवर्टीजमेंट कोई रिसेप्शन या कोई और इंटरफेरेंस नहीं करते। उसमें वन टू वन है कि कार्यशाला कराने वाला जो है वो करा रहे हैं, बाकी जो अटेंड करने वाले हैं वो सब सीखने वाले हैं, पढ़ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, या कोई क्वेरी है, प्रश्न उत्तर है तो उसका ही जवाब दिया जाता है। मुझे एक मित्र के द्वारा आपके बारे में बताया गया, पहले इंस्टांस में अगर हम बात करें तो मेरा विचार मेरी सोच या मेरा आंसर नकारात्मक था, नहीं हम बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बट भगवान ने देवी मां ने कुछ ऐसी कृपा की कि मेरा जो मन मस्तिष्क को मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया और कुछ समय के बाद जब हमारा वाइंड अप के टाइम में थे, हम रैप अप कर रहे थे, उस समय मुझे कुछ ऐसी आवश्यकता सी हुई, ऐसी फीलिंग हुई कि थोड़ी देर के लिए मुझे काश कुछ रिलीफ मिल जाता। ये कुछ भौतिक आशीर्वाद था या प्रयास था या हमारा मिलन इतना प्रगाढ़ होना था, तो उसी समय तुरंत मैंने अश्विनी जी को इनवाइट किया और इन्होंने जो बात की, इन्होंने जो जो लेसन लिया, बात तो थी 10 मिनट या 15 मिनट की, समय भी इनको भरपूर मिला और मुझे आनंद तो आया, लेकिन मुझे शारीरिक रूप से मानसिक रूप से पूरे दिन की 10-12 घंटे की जो हमारी सेशन चल गया था उसमें रिलीफ भी मिला। उससे मित्र वास्तव में पॉजिटिविटी जो मुझे भी गेन मैंने की उससे मैं एक अलग तरह का सिनर्जाइज हुआ। तो वो सिनर्जाइज होने का जो रिजल्ट है वो आप देख रहे हैं, हमारी मित्रता भी है और यह विधा भी और यह विद्या भी आगे बढ़ रही है जी। तो ये एक एक्सपीरियंस था हमारा, हमारी मुलाकात कैसे हुई फर्स्ट टाइम ये डॉक्टर साहब ने बताया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत कुछ इनसे सीखता हूं और बहुत सारी चीजों में इनसे विचार विमर्श भी करता रहता हूं, सलाह भी लेता रहता हूं। बहुत अच्छी अच्छी जो कहते हैं विधाएं जो हैं उन पे कमांड डॉक्टर साहब की है, तो बहुत अच्छा हमारा आज का दिन जाने वाला है, हमारा आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा जाने वाला है, बिकॉज डॉक्टर साहब आज अपनी विद्याओं से हमें बताने वाले हैं कि 2024 का जो हमारा नया साल है वो कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर साहब के बारे में कुछ जानेंगे, इन्हीं के मुंह से जानेंगे कि ये इस फील्ड में कैसे आए, क्या इनका अनुभव है, क्या इस तरह की बहुत सारी बातें हम लोग इनसे शेयर करेंगे। हमारी बातचीत आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से चलेगी और वो आपको बहुत कुछ देने वाली है, तो हमारे इस पॉडकास्ट को लास्ट तक जरूर सुनिएगा और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर आज मिलने वाली है। डॉक्टर साहब हमारी आपस की बातचीत हो गई, आपने भी बता दिया हमारे दर्शकों को कि हमारी मुलाकात कैसे हुई, कैसे हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शंस हुए हमारे, आपकी जर्नी कहां से शुरू हुई थी? इसकी एक बहुत लंबी गाथा है जी। बहुत पहले आज से अगर 35-36 साल पुरानी बात मुझे याद आती है तो एक किसी मित्र की कुछ चीज खो गई थी, कीमती वस्तु थी जी, और उसको ढूंढने के लिए काफी प्रयास किए गए पर सफलता नहीं मिल रही थी। अचानक हम कुछ पड़ोस के लोग, कुछ मित्र इसी उद्देश्य से कहीं, अगर मैं टहल रहे थे कहूं तो ठीक नहीं है, भटक रहे थे, एक दिल्ली के भीड़भाड़ वाले बाजार में एक दुकानदार ने मेरे साथी को बुलाया कि आप कुछ लोग कुछ परेशान हैं। उन्होंने कहा तो उन्होंने तुरंत बात की, आप कुछ जानते हैं तो बताइए। उन्होंने मैं तो नहीं जानता, आप फला फला जगह में जाइए, पंडित जी आपको कुछ बताएंगे। हमने वहीं से रिक्शा लेके उनके पास गए और उन्होंने, पंडित जी बैठे थे, हमको बैठने का इशारा किया ऐसे, और कुछ मुझे लगा कोई पन्ना उन्होंने पलटा और बता दिया कि आप इस पर्पज से आए हैं, ये आपका काम है और आप जिस चीज की खोज में हैं वो अभी यहां से इतने डिस्टेंस पे लगभग है और आप ये उपाय कीजिए, इतने समय में ये वापस हो जाएगी। उनके उपायों को हमने भगवान का आशीर्वाद मान के उनके बातों को आत्मसात किया और
उसी को हमने आगे बढ़े, तो वास्तव में वो जो खोज थी हमारी नियत समय पर पूरी हो गई। तब फिर मेरे को जिज्ञासा हुई कि हमको कुछ करना चाहिए। अचानक दिल्ली में एक भारतीय विद्या भवन है, वहां पे छोटी सी एड निकली थी कि ज्योतिष सीखिए। मेरे एक मित्र भी हैं, उन्होंने कहा था हम सीखेंगे, बट शुरुआत की वो उन्होंने तो ज्वाइन नहीं किया, और मैंने उसको शुरुआत करने के लिए 2 साल का वहाँ पर कोर्स किया, और वो जो 2 साल का कोर्स किया, शुरुआत तो की थी, पर अब वो शुरुआत ऐसी है, वो सीखने की प्रक्रिया ऐसी है, 85-86 से लेके आज 2024 शुरू हो गया, यह क्रिया निरंतरता से जारी है और आने वाले समय में जारी रहेगी। ऐसे मेरे को जो आदेश मिलता है डिवाइन पावर का, देवी शक्तियों का, मुझे फीलिंग ऐसी होती है। ये हमारी छोटी सी गाथा थी। तो आपने जो शुरुआत की 85 और 86 से की, बड़ा लंबा एक्सपीरियंस हो गया, बहुत ही समय काफी हो गया, काफी सारे स्टूडेंट्स भी आपने पढ़ाए हैं यहाँ पर, तो किस किस चीज के अंदर आपकी महारत है, क्या क्या चीजें जो है वो कमांड में है आपके इस समय? नहीं, मैं महारत के लिए कोई क्लेम तो नहीं करता, कोई टोना टोटका या 24 घंटे में चैलेंज वाली बात तो मित्र नहीं करता। हाँ, जो मैं पढ़ता हूँ उसको बहुत ध्यान लगा के पढ़ता हूँ, और उसी को प्रचारित प्रसारित करने के लिए शुद्धता के साथ, अगर कोई सीखने की जिज्ञासा रखता है, पढ़ने की जिज्ञासा रखता है, तो उसको बताने का प्रयास करता हूँ। उसमें वैदिक ज्योतिष के जितने भी अंग हैं, फलित ज्योतिष, गणित ज्योतिष, अष्टक वर्ग, मुहूर्त, मुंडेन, प्रश्न शास्त्र, इन चीजों में मेरी विशेष रुचि है, और इन विषयों को मैंने बहुत से रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया है, चाहे भारतीय विद्या भवन का संकाय हो, आईकास एक पॉपुलर संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज, वहाँ हो, फ्यूचर पॉइंट हो, ऐसी जगहों में मैंने वैदिक ज्योतिष, और एक सामुद्रिक शास्त्र है। सामुद्रिक शास्त्र मित्रों, पूरे शरीर का, सिर से लेकर पैर तक के शरीर के सारे अंगों का, इवन हमारे हथेली के रोहों का, हमारे बाल का, हमारे नाखूनों का, हमारे घुटनों का, हमारे आईज का, फेस का, सब चीज का वर्णन करता है। उसकी बात हो, यह केवल पाम पामिस्ट्री जिसको कहते हैं हस्त विज्ञान, इसकी बात हो, इसमें भी रुचि है, या समझ में आती बातें पढ़ाने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, और वैदिक वास्तुशास्त्र भी, इसको हम यूज करते हैं। आप केपी सिस्टम या कृष्णमूर्ति पद्धति की बात कर रहे थे मित्र, केपी सिस्टम कहें या प्रश्न ज्योतिष कहें या नाड़ी ज्योतिष कहें, तो ओरिजिनली शुरुआत में तो ये केवल प्रश्न ज्योतिष ही था। कृष्णमूर्ति जी ने जैसे जैसे समय बीतता गया, उसी को और फाइन ट्यूनिंग करने के लिए जो चलन में लोगों ने कम कर दिया, अर्थात किसी भी कुंडली के माइन्यूटली बहुत से छोटे उनके भागों को और छोटा कर देना, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में आपको 16 वर्ग का यूज किया जाता है, 16 वर्ग कुंडलियां बनाई जाती हैं, हर कुंडली का फिर आप 16 वर्ग बना देते हैं, ये टाइम ऑफ इवेंट निकालने के लिए हथेली का जो मेजरमेंट का आपका जीवन रेखा और भाग्य रेखा का स्थान, उसको और उतने पार्ट और डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे को लेवल ऑफ एक्यूरेसी किसी चीज का टाइम ऑफ इवेंट बताने के लिए हम बहुत नजदीक तक पहुंच जाते हैं। उसी को फाइन ट्यूनिंग करने के लिए कृष्णमूर्ति जी ने ये एक पद्धति विकसित की, और उस पद्धति के अनुसार बच्चे का जन्म यह विवाह किस दिन किस समय किस मुहूर्त में होगा, ऐसी गणना की जाती है। कुछ लोग इसी को किसी के बीमारी होने, ठीक होने ना होने, इन चीजों के लिए भी कर देते हैं, या कुछ अन्यथा इस दुनिया से विदा के लिए भी उसको प्रयोग करते हैं। तो विदाई के लिए प्रयोग तो नहीं करना चाहिए, वो बात जब हम षडबल में वैदिक में चेष्टा बल निकालते हैं तो उसमें भी आती है, उसी को
एडवांस करने के लिए कृष्णमूर्ति जी ने केपी सिस्टम विकसित किया, काफी चलन में है। चलन में इसलिए है क्योंकि उसमें जो फाइन ट्यूनिंग की गई है, जो और रिफाइनमेंट किया गया है, बहुत माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजिकल टेस्ट कर दिया गया है, यूज किया गया है, वो उससे हम और नजदीक फलित में पहुंच जाते हैं जी। कभी कभी हमारे पास जन्म का समय सही नहीं होता तो हम प्रश्न ज्योतिष या केपी सिस्टम को यूज कर लेते हैं, उसमें भी एक्यूरेसी नहीं आ रही है, तो ये जो हाथ हमारा है, पाम जो है, इस विधा से, इस विद्या से भी हम पढ़ पाते हैं। और जो वैदिक वास्तु है मित्रों, कुंडली आपकी कुछ नहीं बता रही है, क्योंकि किसी ज्योतिषी, वकील या डॉक्टर के पास परेशानी में, दिक्कत में इंसान जाता है और जब जा रहा है, आपको चार्ट ठीक दिखता है, हाथ भी ठीक दिखता है, फिर हम क्या करें? मित्रों, वास्तु से पता चल जाता है कि उसके स्थल पर, उसके कार्य स्थल पर, उसके निवास स्थल पर, उसके पूजा स्थल पर, उसके और किसी उस पर क्या वास्तु दोष है। वास्तु दोष की वजह से भी कई असफलताएं, कई बीमारियां, कई दिक्कत, कई परेशानियां हो जाती हैं। तो ये इन चीजों को अगर मिला के देखते हैं तो हम एक अच्छी तरह से शुद्धता रूप से इस ज्योतिष की सेवा कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, कृष्णमूर्ति पद्धति, पामिस्ट्री और हस्तरेखा में इनकी महारत है और इसको ये बहुत ही बारीकी से देखते भी हैं, बहुत ही बारीकी से चेक भी करते हैं। चलिए, बहुत क्यूरियोसिटी है लोगों को इस चीज को लेकर कि भाई हमारा 2024 का साल कैसा जाने वाला है। 2024 का जो साल है वो हमें क्या देने वाला है, तो इस पे हम बात करेंगे आज डॉक्टर साहब से, जानेंगे इनकी कैलकुलेशन क्या कहती है 2024 वालों के लिए। तो डॉक्टर साहब, 12 राशियां हैं हमारी, तो 12 प्रकार के लोग होंगे, 12 लग्नों के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के, है ना। क्या कहता है 2024 का साल मेष वालों के लिए, क्या आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है कि कैसा जाने वाला है 2024 का साल मेष लगन वालों के लिए, या मेष राशि की बात, राशि से लेंगे इसको या लगन से लेंगे? एक्चुअली जब हम बात गोचर की कर रहे हैं, एक वर्ष की बात कर रहे हैं, तो हम गोचर को यूज करते हैं, तो राशि से लेना चाहिए, राशि से लेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए, यानी कि जिनका चंद्रमा मेष राशि के अंदर है, उनके लिए ये साल कैसा जाने वाला है, जानते हैं डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब, कैसा रहने वाला है 2024 अलग अलग राशियों के लिए? जैसे अभी हम मेष राशि की हम बात शुरू कर रहे हैं, जिनका चंद्रमा, मैंने अभी आपको बताया कि जिनका चंद्रमा मेष राशि में है, उनके लिए 2024 का साल कैसा रहने वाला है, हम डॉक्टर साहब से आज जानने वाले हैं 2024 का साल क्या रिजल्ट देगा। बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा है लोगों को कि हमारे बारे में बताया जाए कि हमारा ये साल कैसा रहने वाला है। तो डॉक्टर साहब बताएंगे मेष राशि का साल कैसा रहने वाला है जी। मित्रों, ये जो साल या वर्ष या माह का जो हम प्रेडिक्शन करते हैं ज्योतिषी आकलन, उसके लिए द्विग्रह गोचर एक पद्धति है, जो सबसे स्लो मोशन के ग्रह हैं जी, उनकी स्थिति के अनुसार, उनके गोचर से, उनके ट्रांजिट से हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो मेष राशि की जब हम बात करते थे, तो मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति वर्ष के प्रवेश में तो है, स्थित है उसी राशि में, अर्थात मेष में ही है, और ये 1 मई से वृषभ में गोचर कर देंगे। तो ये पूरा वर्ष या मेष में रहेंगे या वृषभ में रहेंगे, शुरू के 4 महीने मेष में, मेष में रहने पर देवगुरु बृहस्पति 9 भाव द्वादश भाव के स्वामी हैं। वैसे तो 1 भाव शुभ 1 भाव अशुभ, जिसको अकारक भी कहा जाता है जी, उसके स्वामी हैं। और जब लग्न में स्थित हैं तो उस जातक के लिए, मेष राशि के जातकों के लिए, भाग्य संबंधी, पिता संबंधी, यात्रा संबंधी सारे फल पॉजिटिव होंगे। बेकार के खर्चे, फिजूल के खर्चे, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर या कोई और इस तरीके का बर्बादी होने की संभावना में भी रोक लगाएंगे। साथ ही जब मेष राशि में स्थित होंगे, पहली दृष्टि पंचम भाव पर विद्या उसकी अपनी हो, संतान की हो, उसके लिए अच्छे। सप्तम भाव व्यापार की स्थिति हो, उसके जीवन साथी की स्थिति हो, पार्टनरशिप की हो, वो अच्छे। और तीसरी दृष्टि फिर नवम भाव पर ही आ रही है, जिसके स्वामी भी हैं,
तो उसको भी वो बचा के रखेंगे। अच्छी स्थिति देवगुरु बृहस्पति के अनुसार मेष राशि के जातकों को रहने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेष राशि वालों के लिए 2024 का जो साल है वो बहुत अच्छा जाने वाला है, और खासकर अप्रैल तक का जो समय है वो इनके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद की भी समय अगर हम देखें तो फाइनेंशियल स्थिति आपके कहने के हिसाब से मेष राशि वालों की 2024 में बहुत अच्छी जाएगी। तो खुश हो जाइए मेष राशि वालों, आपके लिए 2024 का जो साल है वो बहुत अच्छा साल है। ऐसा कमाएंगे, व्यापार बढ़ाएंगे, गृहस्थी अच्छी रहेगी, किस्मत साथ देने वाली है और संतान सुख भी आपको मिलने वाला है मेष राशि में डॉक्टर साहब के कहने के अनुसार। वृषभ राशि की मैं बात कर लेता हूँ। वृषभ राशि डॉक्टर साहब कैसी है आपके हिसाब से? वृषभ राशि में इस समय गुरु के गोचर से हम बात करते हैं तो उसके द्वादश भाव में अर्थात 12वें भाव में देव गुरु स्थित है जी। वृषभ राशि के लिए हम द्वादश भाव की बात करते हैं तो द्वादश भाव में गुरु जीव कारक होते हैं। गुरु का नाम है जीव कारक, अर्थात जीवन देने वाले हैं। तो जो बेकार की चीजें हमने बचाव होने की संभावना प्रबल है, ये जैसे ही वृषभ राशि में आ जाएंगे बृहस्पति जी पहली मई से, उस समय उनकी स्थिति और अच्छी हो जाएगी। अर्थात वो दैत्य गुरु शुक्र की राशि में प्रवेश कर जाएंगे और गुरु का अपना कारकत्व है, अपना कारकत्व है, उस कारकत्व के अनुसार वो फल देंगे। अर्थात कैसे फल देंगे, ये देव गुरु जो स्वयं बृहस्पति हैं वो आएंगे दैत्य गुरु में, और दैत्य गुरु का जो व्यवहार है कुछ न कुछ थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहेगा, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनके चाहे पंचम भाव के लिए रहे, चाहे सप्तम भाव के लिए रहे या नवम भाव के लिए रहे, यह बात तो स्थिति तो देवगुरु बृहस्पति की गोचर के अनुसार वृषभ राशि वालों के लिए रहने वाली है। लेकिन जो फिर भी अपना कारकत्व है, दूध गर्म है या ठंडा है, भोजन ठंडा है या गर्म है, उसका अपना प्रभाव तो होता है। गाय माता है, उसका दूध कैसा है, और एक दूसरा भी जानवर है, उसका व्यवहार कैसा है, वो उसके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। क्योंकि गुरु का कैरेक्टर ही देने वाला है, देवों के भी गुरु हैं, तो थोड़ी खींचतान के बावजूद भी ओवरऑल ये देव गुरु बृहस्पति मई के बाद तो और बेटर होंगे, लेकिन तब तक उनके बेकार के फिजूल खर्चे में रोक लगाएंगे वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि वालों, डॉक्टर साहब का कहना ये है कि मई तक थोड़ा सा अपने खर्चों पे कंट्रोल रख लीजिएगा, वहां आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति है, मई के बाद की स्थिति, वो आपकी अच्छी जाने वाली है ना डॉक्टर साहब? यही कहना चाह रहे हैं हम लोग कि मई के बाद की जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत अच्छी जाने वाली है। तो थोड़ा सा अपने खर्चों पे कंट्रोल करिएगा, इधर उधर के फालतू फिजूल खर्च जो है या इधर उधर की बातों में अपना जो माइंड आप लगाते हैं उसके लिए थोड़ा सा आप वृषभ राशि वालों को अलर्ट रहने की जरूरत है मई तक। मई के बाद तो स्थिति ऑटोमेटिकली आपके लिए फेवरेबल है। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन वालों के लिए 2024 का साल जो है वो कैसा रहने वाला? मिथुन राशि के लिए अभी देव गुरु इस समय या अप्रैल तक एकादश भाव में जी, एकादश भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति खुद ही हैं जी जी, लाभ स्थान के, तो अभी अप्रैल तक तो उनके लिए अच्छा है। अच्छा मीन्स उनके लिए जिस तरह की भी प्राप्ति होने की संभावना है वो प्राप्ति होगी। अप्रैल के बाद मई में जब देवगुरु द्वादश भाव में उनके शिफ्ट हो जाएंगे, तो जब एकादश भाव के लाभ स्थान के द्वादश भाव में जाएंगे तो खर्चा तो कराएंगे, लेकिन कोई भी इंसान ही क्यों ना हो, वो जिसने हार्ड अर्न है, जो मेहनत से कमाया है, बहुत आसानी से बर्बाद नहीं करता। तो देवगुरु भी उनके खर्चों में कहीं ना कहीं रोक लगा देंगे, बहुत ज्यादा जरूरी हो वही खर्चा वो करवाएंगे या वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे है ना। हाँ, लेकिन द्वादश भाव से छठे भाव पर दृष्टि उनकी आएगी, पूर्ण दृष्टि आएगी। तो छठे भाव में क्या होगा, छठे भाव में दृष्टि उस जातक जातिका को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य की उसको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी नवम दृष्टि जो आ रही है अष्टम भाव पर आ रही है,
अष्टम भाव और छठे भाव स्वास्थ्य संबंधी विसंगतियां परेशानियां दे सकता है। मैंने चतुर्थ भाव की बात अभी नहीं की, अब चतुर्थ भाव की बात इसलिए कर रहा हूं कि जो नेगेटिव भाव से दोनों हमने बात कर ली, लेकिन चतुर्थ भाव उस जातक जातिका के लिए मां का है, हृदय का है, खुशी का है, तो खुशियां भी उस जातक को देंगे। खुशियां तो देंगे लेकिन स्वास्थ्य और कहीं डिप्रेशन जैसी स्थिति, गड्ढे जैसी स्थिति, अंधकार की स्थिति से बचाव करना चाहिए। मिथुन राशि, जिनका चंद्रमा मिथुन राशि के अंदर है, उनके लिए स्थिति कैसे रहने वाली है? उनके लिए डॉक्टर साहब का ये कहना है, अप्रैल तक आपका समय बहुत अच्छा है, आप जो भी चीज चाहेंगे वो आपको हासिल हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तो आपको आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, और यही चीज आपको बहुत संभल कर चलनी है। परिवार में हर प्रकार की खुशियां होंगी लेकिन आपकी हेल्थ आपको तंग कर सकती है, और इसके अलावा आपके खर्चों में भी कटौती करना आपके लिए बहुत जरूरी है, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा मिथुन राशि वालों। तो थोड़ा सा अप्रैल के बाद आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर चलने हैं ताकि आपकी जिंदगी के अंदर किसी तरह की हर्डल्स ना आए, और खासकर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कर्क वालों के लिए कैसा रहने वाला है सर, कर्क वालों के लिए साल? जब कर्क की बात करें, देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की स्थिति को प्राप्त होते हैं जी, और कर्क राशि के लिए उच्च की स्थिति को देवगुरु प्राप्त होते हैं। कर्क राशि से अभी इस समय जो है दशम भाव में देवगुरु स्थित है, तो अर्थात जब उच्च के भाव की हम बात करते हैं, राशि की बात करते हैं, उसके दशम भाव में है, तो उसके कार्य जितने भी होंगे अच्छे होंगे, उच्चता के शिखर को प्राप्त करेंगे, सफलता मिलेगी। और जब कर्क मेष से लेके कर्क राशि वालों के लिए एकादश भाव में आ जाएंगे, तो जितना उन्होंने कर्म किया है, जैसा कर्म किया है, उसके फल मिलने शुरू हो जाएंगे। मई से उनके लिए बहुत उत्तमता के फल मिलेंगे, उनके जो अर्निंग है, लाभ का क्वांटिटी क्वांटम बढ़ जाएगा। यानी कि कर्क वालों के लिए भी 2024 का जो साल है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अभी दसवें भाव में आपके प्रोफेशनल ग्रोथ को दिखा रहा है देवगुरु बृहस्पति का गोचर मई तक रहने के बाद, और जब वो आपके इनकम के स्थान पर गोचर कर जाएंगे तो आपकी इनकम बढ़ा देंगे, आपके जो आपने मेहनत की है उस मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। यानी कि खुश हो जाइए कर्क वालों, आपके लिए भी, आपका चंद्रमा यदि कर्क राशि में है तो आपके लिए भी 2024 का जो साल है वो बहुत ही फ्रूटफुल साल जाने वाला है। सिंह राशि के लिए क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब? सिंह राशि के लिए अभी देवगुरु बृहस्पति से हम प्रेडिक्शन करें तो उनसे नवम भाव में स्थित होंगे जी, है ना। नवम भाव में स्थित होना या केंद्र त्रिकोण में कोई भी ग्रह स्थित होना एक बहुत ही शुभ की स्थिति होती है, और देवगुरु बृहस्पति तो गुरु हैं और सूर्य महाराज जो है पिता है या राजा है, तो राजा के जो देवगुरु हैं वो उसी स्थान पर हैं जहां उनका स्थान है जी, तो सिंह राशि के जातकों के लिए भाग्य में उन्नति होगी, भाग्य कारक हैं, हर तरह से उनको साथ मिलेगा, धर्म कर्म भाग्य हर स्थिति उनके लिए शुभकारी होने वाली है। सिंह राशि वाले भी खुश हो जाएं क्योंकि उनके लिए भी 2024 का साल बहुत अच्छा जाने वाला है, भाग्योदय होगा, देवगुरु बृहस्पति आपका भाग्योदय करेंगे, और उसके बाद जब मई के बाद इनका गोचर चेंज होगा तो वो आपके दसवें भाव में जाएंगे, वहां पर आपका प्रोफेशन भी ग्रोथ करवाएंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है सिंह राशि वालों के लिए भी। तो 2024 का साल सिंह राशि वालों के लिए भी डॉक्टर साहब के अनुसार जो है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। तो कन्या वालों के लिए डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? कन्या वालों के लिए, कन्या राशि से इस समय देवगुरु अष्टम चल रहे हैं, अष्टम चलने का मतलब है उनको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, विशेषतर काल पुरुष की कुंडली की बात हम करते हैं तो लोअर एब्डोमन गुप्तांगों में ऐसी परेशानी उनको हो सकती है, कोई अंधकार की वस्तु है, गड़ी हुई चीज है जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे उसमें परेशानी हो सकती है, तो
तो उनको डिप्रेशन जैसी स्थिति से बचाव करना चाहिए, विशेषतः ये अप्रैल तक। पहली मई से फिर वो नवम भाव में आ जाएंगे कन्या राशि के लिए, तो अप्रैल तक मैं कहूंगा कन्या राशि के लिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही वृषभ में आ जाएंगे, उनके नवम भाव में स्थित हो जाएंगे, तो सुधार उनको दिखने लगेगा, या चाहे इलाज हो, एफर्ट्स हो, या जो कहीं आपने कुछ भी कार्य किया हो उसके रिजल्ट भी दिखने लग जाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा इसको लेकर सावधान रहने की जरूरत है अप्रैल तक। मई से इनका भाग्योदय होगा, मई के बाद कन्या राशि वालों के लिए 2024 का साल बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए कन्या राशि वालों। तुला के लिए क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? तुला के लिए इस समय, तुला राशि वालों के लिए जो समय चल रहा है, जब से देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में है, डोमिनेंस पावर बढ़ गई है। उनको बार बार लग रहा है तुला राशि वालों को कि कोई हमको जबरदस्ती कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि मेष से पूरी दृष्टि सप्तम दृष्टि तुला पर आती है जी, और गुरु इधर उधर कहीं करने नहीं देते, डिगने डिगाने नहीं देते जी। तो तुला वालों के लिए अभी अप्रैल तक का समय जो है सतर्क रहने का है, वो जैसा चाहे मनमानी नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति सब भाव में चले जाएंगे तो अष्टम चले जाएंगे। अष्टम क्या मतलब है कि अब फिर तुला राशि वालों के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए जी 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 जी। ये स्थिति तो तुला वालों के लिए भी 2024 का साल थोड़ा सा सावधानी बरतने वाला साल है, जरा भी आप इधर से उधर नहीं हो सकते मई तक, और मई के बाद आपके अष्टम में चला जाएगा तो मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। या हम ये कहें कि अगर आठवें भाव की बात करें तो उनके बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, अकल्ट एजुकेशन तुला वालों के लिए कैसी रहेगी? गुड़ शिक्षा अकल्ट एजुकेशन कहें, उसमें कामयाबी मिल सकती है जी। मैं तो ये भी कहूंगा जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ी मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी किसी भी विषय के हों, पर अंततोगत्वा देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद उनको मिल जाएगा। और स्पेशली कोई पीएचडी करने वाले हैं, कोई और रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक हैं, उनको सफलता जरूर मिलेगी। तो तुला राशि वालों के लिए खुशखबरी आ गई, वैसे तो मानसिक परेशानियों का साल है, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं, जो रिसर्च करने वाले हैं, जो अकल्ट एजुकेशन में आने वाले हैं, हमारे फील्ड के जो लोग हैं, उनके लिए मई के बाद का जो समय है वो अच्छा जाने वाला है, तो वहां पर आपको फोकस करना चाहिए। अगर कहते हैं अगर कोई चीज हमें नेगेटिव दिखाई दे रही है ना, तो उसके पॉजिटिव फीचर्स को लेना शुरू कर दीजिए। तो पॉजिटिव मैंने आपको बता दिया कि अपना ध्यान पढ़ाई पर और रिसर्चेस पे केंद्रित करना शुरू कर दीजिए, तो बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में ठीक हो सकती हैं। वृश्चिक राशि वाले जिनका चंद्रमा वृश्चिक के अंदर है, वो कैसे रहने वाले हैं डॉक्टर साहब? देखिए चंद्रमा वृश्चिक के जो है नीच राशि के होते हैं, एक दूसरा छुपी हुई राशि गुप्त राशि है वृश्चिक जी, कालकृषि कुंडली में भी गुप्तांगों का हिस्सा है वृश्चिक राशि जी जी। वृश्चिक राशि छुपी हुई राशि अष्टम भाव, उससे छठे भाव में जब देवगुरु बृहस्पति अभी स्थित हैं, तो गुप्त चीजें, गुप्त कार्य होने, गुप्त एक्टिविटीज होनी, कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा रोग जो आपको पता नहीं चल पा रहा हो, वो अभी चल रहा है, उससे बचाव के उपाय आपको करने चाहिए। और जैसे ही गुरु वृषभ राशि में शुरू हो जाएंगे, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए फिर टेंशन कुछ बढ़ाएंगे मित्रों, क्योंकि उससे सप्तम भाव में आ जाएंगे, वो सम सप्तम हो जाएगा। कहा है कि सम सप्तम का मतलब है वो टेंशन होना, वो तार की इलास्टिसिटी जितनी है उतना तक तो बेंड भी होता है, खिंचता भी है, और जब ज्यादा बेंड हो जाए, हार्ड हो जाए, आजकल समय की जैसे ठंड ज्यादा है तो वो टूटता है, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अभी भी और आने वाले समय भी लगभग एक साल थोड़ा सा अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है, वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय 2024 का हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सतर्क रहने की जरूरत है। और भी बहुत सारी चीजें वृश्चिक राशि वालों के लिए, कोई गुप्त बीमारी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई ऐसी समस्या आपको ना हो,
तो उसका पहले से ही प्रिकॉशंस लेते चले। और वृश्चिक वाले जो मैं आपको बता दूं, जिनका चंद्रमा वृश्चिक राशि के अंदर है, उनको थोड़ा सा अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद अगर हम धनु की बात करते हैं, डॉक्टर साहब धनु वाले जो हैं वो कैसे रहेंगे लोग, उनके लिए 2024 का साल कैसा जाएगा? धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं हम, तो वो सेनापति के भाव में, सेनापति के घर में, सेनापति के यहाँ होने का मतलब क्या है कि थोड़ी सी बृहस्पति की स्थिति कुछ कमजोर होती है। लेकिन अब कहीं तो होंगे, एक वर्ष में 12-13 महीने में गुरु संचार कर जाते हैं। लेकिन नवम भाव की राशि अर्थात धनु राशि से पंचम देवगुरु बृहस्पति इसमें गोचर कर रहे हैं, तो पंचम, सप्तम, नवम, चतुर्थ और दशम लग्न तो है ही है, इनके लिए ये ऐसी स्थिति होना तो एक शुभ स्थिति होती है। अर्थात धनु राशि के लिए अपरेंटली देखें अभी अप्रैल तक की स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन साथ ही जैसे ही वृषभ में शिफ्ट कर जाएंगे तो धनु राशि वालों के लिए फिर स्वास्थ्य संबंधी, कंपटीशन संबंधी, लड़ाई झगड़ा फसाद उसकी भी संभावनाएं, अगर ऐसी इसको बनता है तो बढ़ेंगी, उनका भी हमको निराकरण के उपाय करने से उनको फिर अल्टीमेटली लाभ हो जाएगा, स्थिरता आ जाएगी। धनु राशि वालों, अप्रैल तक का समय सही है आपके लिए। अप्रैल तक जो भी आप गेन करना चाहे ना कर लीजिए, उसके बाद आपको आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है, दुश्मनों का ध्यान रखने की भी जरूरत है, और बहुत सारी चीजें आपको अलर्ट रहने की भी जरूरत है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो धनु राशि वालों के लिए जो 2024 का जो साल है वो मिला जुला रहने वाला है, ठीक है। कैसी है मकर वालों की स्थिति डॉक्टर साहब? मकर की स्थिति में तो अच्छी नहीं मानी जाती देवगुरु के लिए जी, क्योंकि देवगुरु नीच के हो जाते हैं जी। शनि की राशि नीच के होना, नीच की स्थिति में कोई भी है कमजोर स्थिति होती है जी, खराब स्थिति होती है जी। लेकिन उसके बावजूद अभी हमने कहा था लग्न चतुर्थ पंचम सप्तम नवम दशम, ये क्या है, केंद्र त्रिकोण की स्थिति है। केंद्र त्रिकोण की स्थिति नीच की स्थिति होने के बावजूद भी इतनी बुरी नहीं होती। तो मकर राशि वालों के लिए अब हम बात करते हैं, नीच की होने के बावजूद भी अभी मीन से केंद्र में है जी देवगुरु बृहस्पति, अर्थात उनके घर में उनकी खुशियों में बढ़ोतरी ही होगी। एक दूसरा, जब शिफ्ट कर जाएंगे मई से, गुरु संचार कर जाएंगे, गोचर कर जाएंगे बृहस्पति उसमें पंचम में आ जाएंगे, वृषभ राशि में, तब पंचम भाव संबंधी सुख उनको मिल जाएंगे। और पंचम भाव से जब दृष्टि गुरु की और नवम दृष्टि आ जाएगी, विशेषतः नवम दृष्टि लग्न पर आ जाएगी, तब फिर नीच के होने के बावजूद उस जातक के लिए और अधिक शुभकारी होने की संभावना है जी। जी, मकर राशि वालों के लिए 2024 का जो साल है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। अप्रैल तक की स्थिति देखी जाए तो सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। मई में जब देवगुरु बृहस्पति इनके पंचम भाव में गोचर करेंगे, यानी कि वृषभ राशि में गोचर करेंगे, तो वो आगे का जो समय है वो भी 2024 का इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। एजुकेशन लगा लीजिए या प्रेम संबंध लगा लीजिए, किसी भी तरह से पंचम भाव के जो पॉजिटिव फीचर्स हैं वो इनको मिलने वाले हैं। और पंचम भाव से सीधी दृष्टि उनकी 11वें भाव पे भी जाएगी, तो इनकम भी अच्छी होने की संभावना जो है वो बनती है। तो जो मकर की हम बात करें तो मकर वालों के लिए ये साल 2024 का साल बहुत अच्छा जाने वाला है, जैसा कि डॉक्टर साहब कहते हैं। हम कुंभ राशि के बारे में और मीन राशि के बारे में भी फटाफट जान लेते हैं, इनसे कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए डॉक्टर साहब? कुंभ राशि से इस समय तीसरे भाव में गोचर करते हैं जी, तृतीय भाव और एकादश भाव को अकारक माना गया है जी, लेकिन देवगुरु का जो कारकत्व है उसको छोड़ते नहीं जी। तो अर्थात उनके कम्युनिकेशन संचार जितने भी हैं, संचार के यंत्र, चाहे ये कम्युनिकेशन का यंत्र हो जी या और किसी वजह से आप कम्युनिकेट करते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक वे से जी,
या बोलने की बात हो, बोलने के लिए द्वितीय भाव भी यूज करते हैं, तृतीय भाव भी, अर्थात उनका पराक्रम में इन सारी चीजों में वृद्धि देने वाले हैं। बिल्कुल, जब तक वो मेष में कुंभ राशि के लिए, और जैसे ही वो वृषभ में शुरू शिफ्ट हो जाएंगे तो कुंभ राशि से चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। चतुर्थ भाव में आने से उनको सुख सुविधाओं की वृद्धि भी दे देंगे और उनके खर्चों पर भी, क्योंकि द्वादश भाव में दृष्टि दे देंगे, खर्चों पर भी, बेकार की चीजों पर भी लगाम लगा देंगे, बचत अधिक करेंगे, ऐसे कुंभ लग्न वालों राशि वालों के लिए संभावना। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी 2024 का साल बहुत अच्छा जाने वाला है। खुश हो जाइए कुंभ राशि वालों, क्योंकि आपके पराक्रम में वृद्धि होगी जब तक मई तक ये स्थिति बनी हुई है, और उसके बाद सुखों में वृद्धि होगी। तो बहुत अच्छा साल कुंभ वालों के लिए जाने वाला है। तो कुंभ राशि वालों के लिए 2024, हम ये सारी प्रेडिक्शंस जो हैं चंद्रमा से ले रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति क्या रिजल्ट देंगे आपको 2024 में, उसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं और इनके आशीर्वाद की हमेशा हमें जरूरत रहती है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की खुद की राशि यानी कि मीन के बारे में। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं मीन के लिए, मीन वालों के लिए कैसा रहेगा 2024 का साल? जैसे धनु राशि के स्वराशि के थे देवगुरु बृहस्पति जी, मीन के भी स्वामी बृहस्पति हैं जी। अब मीन का एक, मीन राशि के हम करेक्टर की बात करें, वो मछली है जी। अस्थिरता लिए हुए मीन राशि होती है जी। काल पुरुष की कुंडली में पैरों में उनका स्थान है जी, है ना। तब हम दो चीज बात करें, अस्थिरता कैसी होगी और पैरों की स्थिति कैसी होगी। पैरों से ही हमारी स्थिरता या अस्थिरता रहती है। तो मीन राशि से अभी द्वितीय भाव में देवगुरु हैं, अर्थात मीन राशि वालों के लिए उनके कुटुंब की, उनके एक्युमुलेटेड धन की, कुटुंब का धन, पैतृक धन, उनका वाणी, उनकी विवेक, उनका कम्युनिकेशन, उनके खाने की स्थिति या सुख, खाने का सुख या अभी तो अच्छा है। कब तक अच्छा है? जब तक ये आपके मेष राशि में, मेष राशि जैसे ही शिफ्ट हो जाएंगे तृतीय भाव में, तो अभी हमने जैसे कुंभ की बात की, मीन से भी तृतीय भाव में आ जाएंगे, तब वो मई के बाद की स्थिति उनके लिए, उनका हर तरह का संचार, संचारी व्यवस्था उनके लिए भी अच्छा, और मीन से वो जब सप्तम दृष्टि आपके धनु राशि में देंगे, अर्थात छठे सप्तम भाव में देंगे, तो थोड़ा सा उनमें सप्तम भाव उनके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए, विशेषतर संबंधों के बारे में जी। ये स्थिति मीन राशि, तो मीन राशि वालों के लिए 2024 का साल मिला जुला रहने वाला है। मई तक की जो स्थिति होने वाली है वो तो ठीक है, उसके बाद की जो स्थिति है वो थोड़ा सा संबंधों के मामले में ध्यान रखने की जरूरत है। मिला जुला साल रहेगा मीन राशि वालों के लिए। तो ये हमने बात की डॉक्टर साहब से अलग अलग राशियों के बारे में। मैं कुछ और भी जानकारी लेना चाहता हूं डॉक्टर साहब, कुछ और स्पेशल आप बताना चाहेंगे 2024 के बारे में भी, क्या स्थिति रह सकती है, क्या कुछ हमें सावधानियां बरतने की जरूरत है 2024 में, या किसी तरह का कोई खास उपाय जो करना चाहिए, नॉर्मली जनरल वे में हमें कोई खास उपाय करना चाहिए? हाँ, ये जो अभी हमने गोचर की बात की पूरे 12 राशियों के लिए जी, इसमें इंडिविजुअल चार्ट को भी हमको एनालाइज करना होगा जी, उनका दशा गोचर भी करना होगा, और जो भी वैदिक पद्धति उनको भी मिलाना होगा, लेकिन साथ ही साथ शनि का गोचर और विशेषता राहु केतु का गोचर को भी मिलान करना होगा, तब हम ये जो प्रेडिक्शन में और नजदीक पहुंच पाएंगे जी। अब जो आपने विशेष उपाय की बात की, कोई भी उपाय, वैदिक उपाय काम जरूर करता है जी, बशर्ते हम उनको शुद्ध अंतकरण से मनसा वाचा कर्मणा प्रयोग करें। जहां जिस चीज की जरूरत हो, यदि हम पे कैपेसिटी, कैपेबिलिटी हो, सामर्थ्य हो, तो हम उसका अवश्य करें, नहीं तो परमेश्वर से प्रार्थना हम जरूर करें, एक जी। दूसरी बात, यथासंभव हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमको जरूर करना चाहिए। हाँ, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, ये तो एक बात ही सात्विक बात, किसी का निरादर करने से बचें, किसी को हम हर्ट करने से बचें, अपनी सामर्थ्य से अधिक उधार लेके बहुत ज्यादा सिर पे बोझ फ्यूचर के लिए ना छोड़ दें, अपना सुधार
अपनी आदतों का सुधार, अपने पर सेल्फ रेस्ट्रेंट, सेल्फ कंट्रोल हम करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की अभी तक हमने बात की, गुरु कंट्रोल करना ही सिखाते हैं, सदाचार ही सिखाते हैं। तो उनका हमको आशीर्वाद तभी मिलता है जब हम अपने मन से, विचारों से, कर्मों से हर चीज में ध्यान रखें। और इस कुरुक्षेत्र की धरती से भगवान श्री कृष्ण ने हमको अपना कर्म करना ही सिखाया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम बिना किसी फल की इच्छा किए हुए कर्म करें तो हमको भगवान भी सहायता करते। तो यही एक संदेश डॉक्टर साहब का है कि 2024 शनि का साल है, 8 नंबर का साल है। अगर मैं नंबरों की बात करूं तो शनि जो है कर्म फल देता है, और देवगुरु बृहस्पति से ही बातें हो रही थी आज सारी, देवगुरु बृहस्पति से ही हमने सारी कैलकुलेशन की है। देवगुरु बृहस्पति सदाचार सिखाते हैं, देवगुरु बृहस्पति आपको शुद्ध सात्विक रहना सिखाते हैं, और जो इंसान सदाचार में रहता है, शुद्ध सात्विक रहता है, तो शनि उसके लिए हमेशा अच्छे फल देते हैं। तो यह साल आपके लिए और भी अच्छा हो सकेगा अगर हम इन राशियों से ऊपर उठकर एक नॉर्मल प्रेडिक्शन रहे कि ये साल हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे, ये साल हमेशा हम पूजा में निकालेंगे, ये साल हम दूसरों की मदद करने में निकालेंगे, दूसरे का भला करेंगे, दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे, तो ये शनि का साल है, आपके साथ कभी भी गलत नहीं होगा। तो 2024 हमारी यहाँ से दिली तमन्ना है कि आपके लिए ये साल जो है वो बहुत अच्छा जाने वाला है, और आप जो भी डॉक्टर साहब ने आज बातें बताई हैं उनको फॉलो कीजिए, अमल कीजिए, और हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ये हमारा आज पहला पॉडकास्ट था और इसमें बहुत सारे विद्वान लोगों को हम आमंत्रित करने वाले हैं, हम बातें भी करेंगे, जानकारियां भी लेंगे, नॉलेज भी बढ़ाएंगे, हमारी भी, आप सबकी भी। तो ये थे डॉक्टर ललित पंत जी जो कि दिल्ली से आज हमारे बीच में हैं, और हमेशा इनका आशीर्वाद, इनका सहयोग हमें मिलता रहा है, और हम तहे दिल से ललित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू सर, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राम।